Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेल स्टूडेंट्स माई नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी आपला बी एच यू दिस इज माई सेकेंड लेक्चर टू हीच आई एम गोइंग टू प्रजेंट बिफोर यू द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज भारतीय लोकतंत्र के समय चुनौतियाँ चूँकि मैंने ये हिंदी माध्यम के छात्रों को ध्यान में रखते हुए स्लाइड और लेक्चर तैयार किया है संविधान संवैधानिक विधि का जो दूसरा मैंने लेक्चर तैयार किया है वह भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ जैसा कि स्लाइड के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि जो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ हैं वह है दल बदल की समस्या राजनीतिक दलों की अधल दल अधिकता तीसरा है राजनीति का अपराधिकरण और चौथा है अशिक्षा अशिक्षा एवं क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय और मतदाताओं की अपरिपक्वता मतदाताओं की अपरिपक्वता क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय और ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें भ्रष्टाचार गरीबी जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद यह भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ हैं जिसे हमें देखना है कि वे कौन से उपाय किए जाएं जिससे कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम वे कौन से सुधार लाएं जिन सुधार के माध्यम से यह जो चुनौतियां हैं इनको हम कम कर सकें जो समस्याएं हैं भारतीय लोकतंत्र के समक्ष उसको हम समाप्त कर सकें और यदि हम इन चुनौतियों को यदि इन समस्याओं को भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं समाप्त कर पाने में सफल होंगे तो निश्चित रूप से हम विश्व आने वाले समय में विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे और ये तभी संभव होगा जब हम भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ मूलचूल कुछ आधारभूत परिवर्तन करें और यह शुरुआत भारतीय संविधान के माध्यम से भी है और हम नागरिकों का भी अपना कर्तव्य है कि हम एक ऐसी शासन व्यवस्था को अपनाएं जिस शासन व्यवस्था के माध्यम से देश के लोकतंत्र और भारत को विश्व के मानस पटल पर विश्व के मानचित्र पर एक नया स्थान एक नया आयाम एक नया प्रतिमान कीर्तिमान स्थापित कर सके यह सुनिश्चित करने के लिए हम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम एक ऐसी सत्ता शासन व्यवस्था को अपनाएं जिसके माध्यम से हम देश को एक मजबूत आर्थिक रूप से भी संपन्न और राजनीतिक रूप से भी संपन्न मजबूत स्थिति में ला शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करें तो सबसे पहला मैं जो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ हैं हम ये पढ़ते आए हैं यह प्रारंभ से भी पढ़ते आए हैं लास्ट फिफ्टी ईयर से हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष यह चुनौतियां विद्यमान हैं लेकिन समय समय पर संसद के द्वारा सुधार होते भी रहे हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी हस्तक्षेप किया जाता रहा है जिसके माध्यम से हमारी उच्चतम हमारी न्यायपालिका और हमारी भारतीय संसद इस समस्या को समस्या से निजात पाने के लिए कानून बना करके और उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का सशक्त करने का समय समय से प्रयास किया है सबसे पहला देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो पहली सबसे पहली चुनौती देखने को मिलती है वह है दल बदल की समस्या अब ये आवश्यकता कैसे हुई ये क्यों ऐसी स्थितियाँ आई आपने देखा होगा कि प्रायः संसद में भी या राज्य विधानसभाओं में प्रायः जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं जब कभी गठबंधन की सरकार किसी भी राज्य में किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता और उसे सरकार चलाने के लिए वह पूर्ण बहुमत के करीब होती है लेकिन 10 या 20 उसके पास विधायक नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रीय दल हैं दस विधायक या बीस विधायक या चालीस विधायक की पार्टी है वे आपस में राजनीतिक स्वार्थ के चुनाव के दौरान तो वह एक दूसरे का विरोध करके जनता से उन्होंने वोट लिया है मतदान लिया है जनादेश प्राप्त किया है परंतु अपने निहित स्वार्थों के लिए जो चुनाव पूर्व वह राजनीतिक रूप से भी उनकी वैचारिक विरोध है उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज हैं एक दूसरे के विरोध चुनाव लड़ते हैं परंतु चुनाव पश्चात पर जब देखते हैं कि एक पक्ष एक राजनीतिक दल जो सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा है लेकिन बहुमत के बहुमत नहीं उसे है बहुमत के करीब है तो ऐसी स्थिति में बार्गेन करके सौदेबाजी करके वह सत्ता में अपने भी आने का प्रयास करते हैं यह जो स्थिति है यदि पूर्ण समर्थन हो जाए तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है लेकिन प्रायः देखा गया है कि छोटे दल जो है उसमें से कुछ सदस्य टूट करके एक नया दल बनाते हैं राजनीतिक दल बनाते हैं और नए राजनीतिक दल प्राप्त बना करके वह वह सबसे बड़े राजनीतिक दल को चुनाव के पश्चात उभरे हुए सबसे बड़े राजनीतिक दल को समर्थन दे करके उसके साथ सत्ता का इंजॉय सत्ता का आनंद लेते हैं यह भी एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि जनादेश जो प्राप्त हुआ है जनता ने जो उनको चुन के भेजा था वह वह दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरोध चुनाव में लड़ रही थी दोनों वैचारिक रूप से भी अलग थे उनकी सोच अलग है परंतु जब सत्ता में आते हैं तो केवल अपने निहित स्वार्थों के लिए उनको मंत्री पद मिल जाए और पाँच वर्ष तक वह सत्ता शासन में बने रहें और जनता के साथ वह एक प्रकार से धोखा करते हैं तो जन इस समस्या से निजात पाने के लिए वर्ष उन्नीस में नाइनटीन में एक आ, कानून बनाया गया देखिए मैंने स्लाइड पर लिखा है दल बदल की समस्या जो लोकतंत्र के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में भारतीय लोकतंत्र सामना कर रहा था और यह विशेषकर केंद्रीय राजनीति में भी वर्ष 1990 के पश्चात आप देखें वर्ष नौ उन्नीस के दशक से भारतीय भारत के केंद्रीय राजनीति में भी गठबंधन की सरकार बनने लगी अलायंस की सरकार बनने लगी और उसमें भी वहाँ पे भी जोड़ तोड़ और राजनीतिक दलों का एक दूसरे से टूटना एक दूसरे में जुड़ना ये प्रारंभ हो गया इससे निजात पाने के लिए पहला प्रयास किया गया वह भारतीय संविधान के अंतर्गत 52 स्क्रीन पर देखें बावनवां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 हम जिसे दल बदल निरोध अधिनियम 1985 की संज्ञा देते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ और जिसके माध्यम से टेंथ शेड्यूल जोड़ी गई दसवीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दसवीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई दसवीं अनुसूची किससे संबंधित है और दल बदल अधिनियम उन्नीस सौ पचासी किस संविधान संशोधन के, के द्वारा जोड़ा गया यह पूरी सूचना इस स्लाइड के माध्यम से आप समझ पाएंगे और मैं इसको संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा तो जब भारतीय संसद के द्वारा यह महसूस किया गया कि देश और प्रदेश की जो सरकारें हैं वे गठबंधन से एलायंस के माध्यम से हॉर्स टीडिंग हो रही है विधायकों की खरीद फरोख उनको प्रलोभन देकर के तोड़ करके जो है सत्ता में आने का और समर्थन देने का प्रलोभन दिया जा रहा है तो ऐसी स्थितियों से निजात पाने के लिए और दल बदल की समस्या से निजात पाने के लिए एक प्रभावी कानून बनाया गया वर्ष उन्नीस में अब आप देखें कि उसमें एक प्रावधान को मैं यहाँ पे हाईलाइट करने का प्रयास करूँगा जिसमें एक प्रावधान किया गया था कि यदि किसी भी राजनीतिक दल के एक तिहाई सदस्य अलग होकर के एक नई पार्टी बनाते हैं तो यह दल बदल नहीं माना जाएगा अब इसका लाभ उठा करके आप देखें कि चुनाव के पश्चात जब किसी छोटे दल को लगता था कि उसकी भूमिका सरकार निर्माण में महत्वपूर्ण हो सकती है वो किंग मेकर के रूप में हो सकता है तो अब उसमें आप प्राय देखते होंगे मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से कि ऐसी स्थिति में विधायकों को किसी एक होटल में ले जाया जा रहा है पार्टी ने विधायकों को अपने यहाँ पे कन्फाइन किया यहाँ पर ले गए जिससे वे वार्तालाप न कर सकें तो ये प्रायः स्थिति ये भारतीय लोकतंत्र में जो विधि निर्माण करने जा रहे हैं नागरिकों के लिए कानून बनाने जा रहे हैं यदि उनके वे ऐसा कर रहे हैं तो जनमानस में एक गलत संदेश भी जाता है और फिर हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं बाध्य हो जाते हैं कि क्यों क्यों न ऐसी स्थितियाँ लाई जाएँ जिसमें कि ऐसे लोगों को चुना जाए जो सचरित्र हों जिनका चरित्र जिनके जो सदाचारी हों और हम अगर सदाचारी को चुनेंगे तो वह चाहे किसी होटल में उनको रखा जाए किसी रिसोर्ट में रखा जाए जिस पार्टी के प्रति उनकी लॉयल्टी वफादारी है उस पार्टी के प्रति वो रहेंगे तो ऐसी स्थिति में अब एक तिहाई वन थर्ड किसी भी दल का अगर वन थर्ड स्प्लिट होता है विभाजन होता है तो वह दल बदल कानून के दायरे से बाहर होगा और वह एक नए राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त उनको मान्यता दी जा सकती है और वे इस अधिनियम के और वे सदस्य निर्योग्य अयोग्य घोषित नहीं होंगे अब इसका लाभ उठा करके ये देखा जाने लगा कि जब प्रदेश की सरकारों में जब चुनाव के पश्चात कोई भी राजनीतिक दल स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता था तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा दल उभर कर आता था वह छोटे दलों को प्रलोभन दे करके के और छोटे दल भी अपने आप को उसमें वन थर्ड सदस्य टूट जाते थे और वन थर्ड सदस्य उससे अलग होकर के एक नई पार्टी बनाए और नई पार्टी बना कर के सरकार का समर्थन दिए अपने भी मंत्री बने और पाँच वर्ष तक जनता के प्रति वो अविश्वासघात एक प्रकार से कहेंगे वो करने फिर चुनाव करीब आया फिर उन्होंने गठबंधन वापस ले लिया समर्थन वापस ले लिया और फिर जनता के बीच यह कहने को जा रहे हैं कि मैंने चार वर्ष या प्राय साढ़े चार वर्ष तक मैंने घुट करके मैंने मुझे कुछ भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था मजबूरी में मैंने चार वर्ष साढ़े चार वर्ष रहा अब छः महीने चूँकि चुनाव हैं तो जनता ने उनको पहले अब ऐसी स्थितियां जो जनता के समक्ष ला देते हैं राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों के लिए इससे निपटने के लिए ऐसा प्रयास किया गया कि ये जो वन थर्ड का जो प्रोटेक्शन है एंटी डिफिक्सन ला से बचने के लिए ये भी लगता है गलत हो गया तो संसद ने पुनः संशोधन करके भारतीय इस दल बदल कानून में कि यदि किसी भी दल से वन थर्ड सदस्य भी यदि अलग होंगे तो वे निर्योग्य होंगे और वे दल बदल के कानून के दायरे में आएंगे तो अब ऐसी स्थिति में सामान्यतः आप देख आप देखते होंगे कि जल्दी स्प्लिट होती नहीं है विभाजन वो होता नहीं है नहीं तो पहले प्राय इस, इसका फायदा उठा करके विभाजन हो जाता था तो दल बदल कानून भी एक प्रकार से अब प्रभावी हो गया उस संशोधन के पश्चात जो है यह थोड़ा इफेक्टिव हो गया अब इसमें रोक टोक लगाई जाने लगी दूसरा देखें कौन से व्यक्ति संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य से? दल बदल कानून के दायरे में आएंगे या चुनाव के पश्चात तो वे अयोग्य निरयोग्य घोषित हो जाएंगे जब वह अपने किसी दूसरे दल को स्वीकार करते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल का से निर्वाचित सदस्य निर्वाचन के पश्चात यदि अपने दल को छोड़ करके दूसरे दल में सम्मिलित होगा तो वह अयोग्य समझा जाएगा ये निरयोग्य घोषित किया जाएगा अयोग्य समझा जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में आएगा और वैसा इसलिए भी है कि जनता ने जनादेश जो दिया था एक किसी राजनीतिक पार्टी की विश विशेष विचारधारा से प्रेरित होकर प्रभावित होकर के उन जनता ने मतदान किया था तो ऐसी स्थिति में उनकी निरोग्यता को सही जायज़ ठहराया जा सकता है दूसरे प्रावधान इसके अंतर्गत है कि लोकसभा या विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष एंटी डिफेक्शन लॉ के मामलों में उसके द्वारा लिए गए निर्णय को अंतिम माना जाए और उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी मैंने इसमें स्लाइड में लिखा है उच्चतम न्यायालय की भूमिका तो जब एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत ये संशोधन किया गया कि स्पीकर के निर्णय को अंतिम बना दिया गया था किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी तो वहीं पर ये माना गया कि स्पीकर का जो ये निर्णय है या विधानसभा अध्यक्ष का जो ये विधानसभा अध्यक्ष का जो ये निर्णय है इसको हम न्यायिक पुनर्लोकन से बाहर नहीं कर सकते केस का नाम आया की हो तो होलान वर्से जाचिलो। एक केस है सुप्रीम कोर्ट के समझ की हो तो होलान वर्से जाचिलो। अब उस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय किया गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत दल बदल कानून के विषय में विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय कि कोई व्यक्ति अयोग्य है या निरोग्य है इससे संबंधित निर्णय उसका अंतिम होगा उसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती यह संविधान के आधारभूत ढांचे न्यायिक पुनर्विलोकन का उल्लंघन करता है अतः दसवीं अनुसूची का वह पैरा जिसमें यह वह प्रावधान जिसमें ये लिखा हुआ है कि विधानसभा का अध्यक्ष निरोग्यता के विषय में निर्णय लेगा कि वह दल बदल कानून में आता है या नहीं आता विधानसभा सदस्य तो उसका निर्णय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल थर्टी के अंतर्गत किसी भी अथॉरिटी के द्वारा दिए गए डिसीजन को रिव्यू करने की पावर है तो जुडिशियल रिव्यू करने का जो पावर है चूँकि संविधान का आधारभूत ढांचा है उसे संसद दो तिहाई बहुमत से संशोधन के माध्यम से भी समाप्त नहीं कर सकती अतः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की होतोह होलान वर्स, वर्स जी जाचीलू के केस में निर्णित किया गया कि यह प्रावधान संविधान के आधारभूत ढांचे स्पीकर का जो पावर अंतिम बना दिया गया निर्णय लेने की शक्ति अंतिम बना ली गई वह न्यायिक पुनर्विलोकन के जुडिशियल रिव्यू के पावर को कम करता है समाप्त करता है आधारभूत ढांचे का उल्लंघन है अतः तो असंवैधानिक है तो अब इस निर्णय के पश्चात भी देखें कि अभी स्पीकर चूंकि समान्यता स्पीकर सा, सामान्यतः सरकार का होता था और स्पीकर भी उसमें उसको तो, स्प्लिट कराने में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी कि वह रि, रिकॉग्नाइज कर देता था बहुत से ऐसे मामले आए कि सरकार पाँच साल तक चली गई सरकार ने पाँच साल तक निर्णय ले लिया और पता चला कि वह मामला डिसाइड ही नहीं हो पाया कि जो स्प्लिट हुई थी वह एंटी डिफेक्शन के दायरे में आएगी या नहीं आएगी तो ये भी इस तरह की समस्याओं से निजात पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए उस केस में वह क्लाज दसवीं अनुसूची का समाप्त कर दिया अब इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा था भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं दल बदल कानून दूसरा है राजनीतिक दलों की अधिकता आप स्लाइड स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि भारत जैसे देश में राजनीतिक दलों की जो अधिकता है आप शायद काउंट नहीं कर पाएंगे गिन नहीं पाएंगे कि कितने यहाँ पे क्षेत्रीय दल हैं और विशेषकर मैंने स्लाइड में देखे दो भागों में बांटा है वर्ष उन्नीस के पश्चात गठबंधन की सरकार अलायंस की गवर्नमेंट क्वालिशन गवर्नमेंट और एक अस्थिरता केंद्रीय सरकार का पतन जो है वर्ष उन्नीस में इसका सबसे कि एक सं एक मतदान से एक वोट से जो है केंद्रीय सरकार गिर जाती है इसको हम वाजपेयी सरकार बोलें कि अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ गया मात्र इसलिए कि उन्हें एक वोट जो है बहुमत के दौरान लोकसभा में आ, सरकार साबित सरकार बनाने के लिए सरकार के पक्ष में बहुमत साबित करने के लिए एक मतदान एक वोट की कमी पड़ गई जिससे अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण है कि आप एक चुनाव देश का जब लोकसभा का चुनाव होता है उस लोकसभा के चुनाव में कितना जन कितना पैसा सरकार का खर्च होता है और सरकार का पैसा खर्च होने का मतलब है जनता का पैसा खर्च होना और उसके पश्चात जनता पर अनावश्यक बोझ का लाना अनावश्यक उसके ऊपर सर महंगाई बढ़ जाएगी वह महंगाई का महंगाई का सामना जनता को करना होगा तो जन जो राजनीतिक दलों की अधिकता है आप देखें कि राष्ट्रीय पार्टियाँ कितनी हैं और क्षेत्रीय पार्टियाँ कितनी हैं तो नंबर उनके हर आपको देखेंगे चूँकि व्यक्ति का चुनाव लड़ने का अधिकार मतदान इसमें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार संघ बनाने का यूनियन बनाने का अधिकार इस संविधान के आर्टिकल उन्नीस ए ग के अंतर्गत आप देखें राइट टू फार्म एसोसिएशन यूनियन ये सब संवैधानिक अधिकार होने की वजह से फंडामेंटल राइट होने की वजह से भी एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियों का उदय है और बहुत सारी पार्टियाँ का उदय भी एक प्रकार से माना जा सकता है कि सबको लिबर्टी है एक नई पार्टी बनाने का और जब क्षेत्रीय पार्टियाँ या कहें कोयलसन गवर्नमेंट गठबंधन में आप देखते हैं जैसा कि अनुभव 1990 के पश्चात आपने देखा होगा बी सिंह सरकार हो या केंद्र में राजीव गांधी सरकार के बाद या जितनी भी गवर्नमेंट 1990 के पश्चात बनी है गठबंधन की कोयलसन की गवर्नमेंट बनी है क्योंकि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता था तो क्षेत्रीय दलों के समर्थन से सरकार बनती थी और क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय दलों की अपनी जो आ, ऐसी मांगे होती थी अनुचित मांगे उनको मंत्री पद चाहिए और भी मांगे इसलिए एक प्रकार से जो केंद्रीय राजनीति में एक विषाक या कहें केंद्रीय राजनीति में एक प्रकार से भारतीय राजनीति में गठबंधन की सरकार के पश्चात एक प्रकार से कहें तो बहुत कड़वा अनुभव रहा है और इसको हम वर्ष उन्नीस में केंद्रीय सरकार के पतन के रूप में भी देख सकते हैं कि उन्नीस में, में केंद्रीय सरकार का पतन हो जाना ये राजनीतिक दलों का अधिकता और आप अमेरिका में देखें या इंग्लैंड में देखें जहाँ दो टू पार्टी सिस्टम है कहीं पे कंजर्वेटिव पार्टी है कहीं पे लेबर पार्टी है इंग्लैंड में या हम अमेरिका लेकिन चूंकि हमारा जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट अलग है हमने सबको हमारे यहाँ सबको लिबर्टी है इसलिए राजनीतिक दलों की अधिकता भी लोकतंत्र के लिए एक समस्या है क्योंकि सरकार केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार है यदि वह चुनाव के पश्चात आए और सरकार बन न पाए बहुमत साबित न कर पाए गठबंधन की सरकार हो उसमें भी गठबंधन छः महीने या एक वर्ष के पश्चात समर्थन वापस हो जाए तो निश्चित रूप से ये भी एक राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते हैं अब देखते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण को लेकर के और राजनीति का जो अपराधीकरण है अभी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष सबसे प्रमुख चुनौती है मैं स्क्रीन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि भारतीय राज भारत में राजनीत राजनीतिक का अपराधीकरण हुआ है या अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ है यह कह पाना बहुत मुश्किल है ये निष्कर्ष जो है बोहरा समिति नाइन्टीन के द्वारा दिया गया बी एन मोहरा जो केंद्रीय गृह सचिव थे वी एन वी एन बोहरा उनकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति गठित की गई ये पता लगाने के लिए कि स्क्रीन पर आप देखें अपराधी नेता राजनेता नौकरशाह गठजोड़ एक नेक्सस बन गया था कि जो ब्यूरोक्रेट है नौकरशाह और अपराधी राजनेता इन तीनों की साठ गांठ से तीनों के सहयोग से ये ऐसा देखा गया कि राजनीति में जो है वह अपराधियों का प्रवेश होने लगा विशेषकर 1980 के पश्चात केंद्रीय राजनीति में ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1980 के पश्चात भारतीय केंद्रीय राजनीति में वह मनी और मसल्स का पावर म, मनी और मसल्स यूज किया गया अपराधियों का प्रवेश वर्ष उन्नीस से ही प्रारंभ हो गया राजनीति में आने का प्राय ऐसा कड़वे अनुभव ही रहे हैं आप देखे होंगे लेकिन चूंकि ये हाइपोथेटिकल बातें नहीं हो सकती हैं इस समिति ने जो बोहरा समिति है इसने जो सिफारिश रिकमेंडेशन दिया इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की सरकार को उस रिपोर्ट में समिति ने माना कि भारतीय राजनीति में अपराधीकरण इसलिए हुआ है राजनीति का अपराधीकरण इसलिए हो रहा है कि इसमें जो अपराधी है राजनेता है ये दोनों में गठबंधन दोनों में संबंध एक ऐसा नेक्सस हो गया है और उसमें नौकरशाह भी एक अपनी भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं तो इन तीनों के जब हम नेक्सस को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक हम स्वच्छ राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते इसलिए भारतीय राजनीति को स्वच्छ करने के लिए निर्मल करने के लिए अच्छे सर चरित्र व्यक्ति को भारतीय राजनीति में लाने के लिए यह आवश्यक है कि इस नेक्सस को तोड़ा जाए अपराधी राजनेता के नेक्सस को तोड़ा जाए अपराधियों का राजनीति में प्रवेश न हो इसलिए प्रयास पुख्ता प्रयास किया जाए आपको यह ज्ञात होगा कि भारतीय राजनीति में स्वच्छता लाने के लिए सचरित्र व्यक्ति को सदाचारी व्यक्ति को भारतीय राजनीति में लाने के लिए ऐसा प्रयास किया गया कि आप देखें हमारे पास कानून है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस और जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि वे व्यक्ति जो दो वर्ष से अधिक से के सजा पा चुके हैं वे चुनाव नहीं लड़ेंगे अब आप देखिए एक प्रावधान किया गया कि इसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है कि दो वर्ष से अधिक की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा यदि अपील लंबित है न्यायालय अपील स्वीकार कर लेता है तो वह चुनाव जेल से चुनाव लड़ सकता है विचाराधीन कैदी चुनाव जेल से लड़ सकता है क्योंकि वह अभी सिद्ध नहीं हुआ है और विचाराधीन जो कैदी है जिसका अभी अपराध न्यायालय में साबित नहीं हुआ है दोष सिद्ध नहीं हुआ है वह चुनाव लड़ सकता है और चुनाव लड़ने के बाद जब वो विधायक हो जाते हैं या संसद सदस्य बन जाते हैं तो उनकी आप कल्पना कर सकते हैं ये डेटा कितना सरकार के पास जो अपने खुद के आंकड़े हैं कि केंद्रीय राजनीति में संसद में ऐसे कितने लोग हैं जिसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं विधान राज्य की विधानसभाओं में ऐसे कितने विधानसभा सदस्य हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन दर्ज हैं वे कितने सदस्य हैं वे कितने मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं जिनके विरुद्ध ऐसे आपराधिक अभियोजन जो तीन वर्ष अधिक के कारावास से दंडनीय है यदि आप इसको एनालिसिस करेंगे विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारतीय राजनीति में एक प्रकार से एक अलग परिदृश्य एक अलग आपको पिक्चर मिलेगी और निश्चित रूप से उसे सही नहीं माना जा सकता है नहीं कहा जा सकता है जो प्रतिसत्ता है राजनीति में अपराधियों के प्रवेश को लेकर के और ये बात समित के माध्यम से भी बोहरा समित के माध्यम से भी वर्ष उन्नीस सौ में ही स्पष्ट हो गया था कि इनका जो नेक्सस कितना अब ये दूर करने के लिए भारतीय राजनीति को और सुचारू बनाने के लिए हमारे पास संथानम आयोग की सिफारिश है कि हम नौकरशाही में कैसे प्रशासन में कैसे सुचिता लाएं इसके लिए हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया है सीवीसी जिसको बोलते हैं संथानम आयोग की स्थापना की गई है उसको मैंने केवल संक्षेप में बताने का प्रयास किया है स्लाइड के माध्यम से डिटेल में बताने की के लिए बहुत समय लगेगा लेकिन आप ये समझ लें कि भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए राजनीति में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ये समितियाँ और आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग संथानम आयोग की स्थापना की गई थी और ये जानकर के आप सभी छात्रों को आश्चर्य होगा कि एक जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसमें सबसे पहला प्रयास किया गया एन बिट्ठल एक समय सी थे चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे उन्होंने क्या किया कि जितने भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स थे उनके सभी के नाम जो है उन्होंने वेबसाइट पर डाल दिया अपने सरकारी वेबसाइट पर डाल दिया कि ये अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ इतने मुकदमे पाए गए इतने भ्रष्टाचार के मामले पाए गए अब इससे एक प्रयास उन्होंने किया कि जनता भी जब जानेगी कि अधिकारी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार अधिकारी जो है उसको भी आत्मग्लानी होगी और उस ग्लानी बोध से वह समाज के लिए कुछ अच्छा प्रयासित करके कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास करेगा यह एन बिठल एक प्रकार से अच्छा प्रयास किए थे जब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे सी के अंतर्गत वो थे यदि आप ये सोचें कि अगर सी की वेबसाइट पर ऐसे ब्यूरोक्रेट नौकर शाहों के नाम डाल दिए जाएं जो भ्रष्ट हैं करप्ट हैं तो निश्चित रूप से जनमानस में उनके प्रति एक वेमनशता का भाव आएगा कि ये भ्रष्ट अधिकारी है और वही अधिकारी भी आत्मग्लान की भावना से भी हो तो इससे भी कम से कम मैं नहीं कह रहा कि ये दूर होगा समाप्त हो जाएगा लेकिन कमी अवश्य आएगी कि नौकरशाही में जो भ्रष्टाचार है हम उसको कम कर सक पाएंगे इस तरह से हम इसको सबसे जो सराहनीय प्रयास रहा है भारतीय राजनीति में सुचता लाने के लिए वह आप देखें मैंने स्लाइड पर एक केस लिखा उच्चतम न्यायालय का योगदान ये बहुत ही सराहनीय कदम है केस मैंने हाईलाइट किया है इसमें और इस केस को मैं पुनः स्क्रीन पर देखने का प्रयास करता हूँ केस मैंने लिखा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एफडीआर एआईआर 2002 टू टू और ये तीन चीज़ें आप देखें इसको यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब मैंने यू आई संक्षेप में लिखा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एफडीआर एआईआर 2002 टू टू भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एआईआर 2000 दो हज़ार यह जो एफडीआर है एक एनजीओ है गैर सरकारी संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म अब इसने आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केंद्रीय चुनाव आयोग जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत है कि केंद्रीय चुनाव आयोग की संवैधानिक जवाबदेही है कि वह पूरे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जिसके लिए आवश्यक है कि केंद्रीय चुनाव आयोग भी कुछ ऐसे नोटिफिकेशन कुछ ऐसे निर्देश दे सकता है जिससे कि अपराधियों को राजनीति में आने से रोका जा सके यदि केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा ही एक प्रकार से यदि अधिसूचना जारी कर दी जाए कि केवल वही चुनाव लड़ेंगे जिसके विरुद्ध कोई भी किसी भी प्रकार का आपराधिक अभियोग न्यायालय के समक्ष पंजीकृत न हो तो मैं समझता हूँ कि फिफ्टी परसेंट काम राजनीति में सुचता लाने का वह केंद्रीय चुनाव आयोग ही कर सकता है और संसद जो बचा हुआ कार्य है वो संसद कर सकती है कानून बना करके परंतु इस केस में जो भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है एफ एफ डी आर का जो केस है इसमें क्या हुआ कि जो एन जी ओ है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इसने एक याचिका प्रस्तुत की सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बताने का ये जानने का प्रयास किया कि भारतीय राजनीति में अपराधियों को रोकने के लिए जो भारतीय कानून है वह कितना प्रभावी है और इसको अपराधियों को राजनीति में रोकने के लिए अगर हम तीन बातें सुनिश्चित कर लें तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति को हम एक नई दिशा दे सकते हैं तो स्वयं इस गैर सरकारी संस्थान जो ए है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है उसने तीन बातों को कोर्ट से निवेदन किया कि यदि जनप्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान अपने विषय में तीन सूचनाएं जनता के समक्ष रखें तो जनता जो मतदाता है मतदाता अपने जनप्रतिनिधि के विषय में बेस्ट निर्णय ले सकता है कि उसका जो प्रतिनिधि है जिसको वह मतदान करने जा रहा है वह अपराधी प्रवृत्ति का है या वह शिक्षित है या वह क्रिमिनल बैकग्राउंड का है ये जान पाना यह अगर यह सूचना उसको पहले उपलब्ध हो जाए तो जनप्रतिनिधि जो हमारा जो मतदाता है वो अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भारत संघ बनाम ए 2002 की केस में सर्वप्रथम पहली बार 2002 में निर्तित किया कि अब भारत में प्रत्येक उम्मीदवार को चाहे वह ग्राम प्रधान का चुनाव हो चाहे वह स्थानीय निकाय का चुनाव हो विधानसभा का चुनाव हो संसद सदस्यता या संसदीय चुनाव हो किसी भी प्रकार के स्थानीय चुनाव में विधानसभा के चुनाव में संसदीय निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार को तीन बातों को अपने हलफनामे में एफिडेविट में उद्घोषणा करना घोषणा करना आवश्यक होगा कौन से सूचनाएं? पहला वह उम्मीदवार उस उम्मीदवार का शैक्षिक योग्यता क्या है शैक्षणिक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह ग्रेजुएट है स्नातक है परास्नातक है पोस्ट ग्रेजुएट है या पढ़ा लिखा नहीं है शैक्षणिक योग्यता का लिखना उसमें आवश्यक है दूसरा उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है उसके पास उसके अर्थ का स्रोत स्रोत क्या है यह इसलिए जानने का प्रयास किया गया कि प्राय आप देखे होंगे कि चुनाव घोषणा के समय कोई उम्मीदवार लिखता है कि उसके पास दस लाख रुपए है पाँच लाख रुपए है और चुनाव एक बार अगर चुनाव जीत गया तो आप उसके पास इनकम का स्रोत देख लें कितना होता है तो आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में भी उसको अभियोजित किया जा सकता है इस मनशा के साथ भी ये कानून यह निर्णय दिया गया कि कम से कम वहाँ यह सहायता होगा इस डर भय से भी वो व्यक्ति आय से अधिक संपत्ति बनाने का प्रयास नहीं करेगा तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें और एलिमेंट जोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपने हलफनामे में शपथ पत्र में जो प्राधिकारी को देता है चुनाव अधिकारी को चुनाव लड़ने के लिए अपना आवेदन पत्र भरता है उस आवेदन पत्र में तीन बातों का उल्लेख करना आवश्यक है पहला शैक्षणिक योग्यता दूसरा आर्थिक पृष्ठभूमि आर्थिक स्थिति क्या है और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपराधिक पृष्ठभूमि क्रिमिनल बैकग्राउंड उसके पहले क्या उस अभियुक्त क्या उस व्यक्ति को जो उम्मीदवार है उसके पहले कि, उस उसके विरुद्ध कितने आपराधिक मुकदमे हैं इसका उल्लेख भी उसमें करना आवेदन में आवश्यक है तो अब स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये केस भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित हुआ ये केस को देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एफ डी आर ए आई आर टू थाउजेंड टू सुप्रीम कोर्ट में शैक्षणिक पृष्ठभूमि आपराधिक पृष्ठभूमि आर्थिक स्थिति तीनों को प्रत्येक उम्मीदवार अपने आवेदन में तीनों को डिस्क्लोज करेगा इन्फॉर्मेशन को अगर यह डिस्क्लोज गलत है तो आगे मैंने देखिए एरो बना के लिखा हुआ है कि उस उम्मीदवार को मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध में भी अभियोजित किया जा सकेगा और मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध में न केवल अभियोजित किया जा सकता है बल्कि उसका अभ्यर्थन कनिडेशर भी समाप्त किया जा सकता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस केस में दिए गए निर्णय का दूरगामी प्रभाव भारतीय राजनीति में कितना हुआ आप देखिए वर्ष 2002 के पश्चात अब जितने भी चुनाव होते हैं देश में चाहे संसदीय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो आप देख सकते होंगे कि उम्मीदवारों के लिए तीन बातों का अपने आवेदन में अप्लीकेशन में कम्पिटेंट अथॉरिटी को चुनाव अधिकारी को डिस्क्लोज करना आवश्यक हो गया कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है और यदि तीनों में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिथ्या गलत साक्ष्य दिया गया तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा एक सौ तिरानवे वन नाइन्टी थ्री के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य देने लोक प्राधिकारी के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप में उस उम्मीदवार का न केवल अभ्यर्थन कैंडिचन निरस्त होगा जीता हुआ चुनाव भी समाप्त होगा निरस्त होगा बल्कि उसे जेल भी हो सकती है जेल की सजा भी हो सकती है तो मैं कह रहा था कि भारतीय राजनीति में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय बहुत निर्णय मिल का पत्थर साबित होगा और ऐसा इसलिए क्यों कहा गया देखें इसको और भी महत्वपूर्ण है कि यह केस संविधान के आर्टिकल उन्नीस एक क में बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों संविधान के आर्टिकल उन्नीस एक क के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह माना गया कि ये राइट टू वोट जो राइट टू वोट है दैट इज इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब कोई भी मतदाता अपने उम्मीदवार को मतदान करने जाता है तो वह अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है अपनी जो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो उसका एक्सप्रेशन है वह अभिव्यक्ति उस अभिव्यक्ति करता है और यह उसकी लिबर्टी संविधान की आर्टिकल उन्नीस एक क के अंतर्गत प्रत्याभूत की गई है गारंटी की गई है कैसे हम जैसे किसी भी संविधान के आर्टिकल उन्नीस से एक क भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है बोलने की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है तो यह मतदान करना और अभिव्यक्ति का संबंध कैसे क्या है दोनों से रिलेशन है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया कि जब मतदाता को मतदाता चुनाव के दौरान अपने आइडियोलॉजी अपने विचार को प्रकट करता है उस उम्मीदवार के पक्ष में और उस उम्मीदवार के पक्ष में अपने अभि अपनी अभिव्यक्ति मतदान के माध्यम से और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है यदि वह यदि वोटर मतदाता को अपने उम्मीदवार के विषय में पूरी जानकारी हो कि वह स्नातक है आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है आर्थिक स्थिति क्या है यदि ये, ये पूरी सूचना प्राप्त होगी तो उम्मीदवार अपने उस उसके समक्ष जितने भी उम्मीदवार हैं कई उम्मीदवारों के स्थिति में वह जो मतदाता है उसमें से बेस्ट जो उसको उम्मीदवार लगेगा जब सभी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि आर्थिक पृष्ठभूमि को जानेगा तो उसमें से सबसे सर्वोत्तम जनप्रतिनिधि का निर्वाचन कर सकेगा अपने मतदा अपने वोट कास्ट करने के दौरान अपने मतदाता अपने मतदान करने के दौरान तो ये बात निकल कर आई कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये राइट टू वोट जो है मतदान का अधिकार है ये उसी में सम्मिलित है समावेशी तो उसी का एक आवश्यक अंग है कि जब मतदाता अपने वोट को कास्ट करने जाता है तो वह अपना अपने विचार को वोट के माध्यम से अभिव्यक्त करता है कि ये प्रतिनिधि उसके विचार में अच्छा है और अच्छा क्यों है क्योंकि उसको सूचना है कि वह वह शिक्षित है अशिक्षित है वह क्रिमिनल है या सदाचारी है उसकी आर्थिक स्थिति है क्या है तो ये जब सूचना प्राप्त होगी तो सूचना प्राप्त होने से अपनी बातों को प्रभावी तरीके से वह मतदान के माध्यम से व्यक्त कर सकता है इसलिए मतदाता को ये तीनों जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है ये, ये राइट टू वोट ये जो ये तीनों सूचना है मतदाता को भी प्राप्त करने का अधिकार है उसका फंडामेंटल राइट है और प्रत्येक उम्मीदवार को भी यह उसकी विधिक विधिक दायित्व तो है कि वह आवेदन देते समय चुनाव में अपना आवेदन एप्लीकेशन देते समय चुनाव अधिकारी को ये तीन सूचनाओं को डिस्क्लोज करेगा तो मैंने राजनीति के प्राधिकरण को रोकने के लिए जो यह केस बताया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एफ डी आर टू थाउजेंड टू की केस निश्चित रूप से आप इसको देखें कि आर्टिकल उन्नीस एक क के अंतर्गत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर भी भारतीय राजनीति में स्वच्छता लाने के लिए और भारतीय राजनीति को और पारदर्शी बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय का यह प्रयास सर्वथा सराहनीय है प्रयास सर्वथा प्रशंसनीय है अब आते हैं नेक्स्ट इसके बाद जो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुद्दे हैं टेम्प डेमोक्रेसी जिन चुनौतियों का सामना कर रही है वह है क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय स्क्रीन पर आप देखें जो क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय मतलब जो इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज हैं क्षेत्रीय दल जो उभर करके सामने आए उन्नीस के पश्चात और बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप स्टेट वाइज देख सकते हैं राज्यवार देख सकते हैं कितने स्टेट में कितनी राज्यवार क्षेत्र रा, मतलब क्षेत्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय पार्टियों का तेजी से बढ़ना ये भी आप देखें डिसेबल गवर्नमेंट को मतलब अस्थिर सरकार को बढ़ावा देने में ये सहायक हुई हैं कैसे क्षेत्रीय दलों की जो सोच है ऐसा पाया गया कि क्षेत्रीय महत्व तो पर अधिक इनका बल होता है स्लाइड पर मैं देखिए स्क्रीन पर मैंने लिखा है तीन बातें लिखा है क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय हुआ है इनका तीन बातों पे फोकस क्षेत्रीय महत्व तो अधिक बल देते हैं राष्ट्रीय मुद्दों की कमी होती है ये पहले जिन च, च, लोकल इशूज़ को लेकर के सत्ता में आते हैं उन्हीं को पूरा करने का प्रयास करते हैं राष्ट्रीय मुद्दे इनसे अनटच्ड रहते हैं और अस्थिरता तीसरा कंपोनेंट है इसीलिए जो है जो पॉलिटिकल डिसेबिलिटी देखते हैं जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखते हैं जो राजनीतिक अस्थिरता है ये भी इसका एक प्रमुख कारण है बताने की मुझे लगता है किसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है छात्र आप सभी छात्र जानते होंगे समाचार पत्र के माध्यम से मीडिया के माध्यम से कि कई बार ऐसा हुआ कि केंद्र में जो राज्य केंद्र की जो सरकार गिरी वह क्षेत्रीय पार्टी के असहयोग के कारण गिर गई कि क्षेत्रीय पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया उनकी कोई मांग नहीं मांगी गई with... या उनको कोई मनपसंद विभाग बंटवारा में नहीं मिला कोई पोर्टफोलियो उनको सही नहीं मिला उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और केंद्रीय सरकार गिर गई केंद्रीय सरकार का पतन हो गया और पुनः केंद्रीय सरकार को निर्वाचन चुनाव के लिए चुनाव में जाना पड़ा और देश अगर पाँच वर्ष में अगर दो चुनाव होने लगे देश में लोकसभा का तो आप समझ सकते हैं कि एक चुनाव में कितना खर्चा आता है और देश में अगर गठबंधन की सरकार है क्षेत्रीय दल के समर्थन वापस लेने से यदि सरकार गिर जाती है और दूसरा चुनाव होता है पाँच वर्ष में तो महंगाई कितना बढ़ेगी और उसका सामना भारतीय जनमानस को करना पड़ेगा यह एक बहुत विचारी प्रश्न है ये आप इसको सोच सकते हैं तो क्षेत्रीय दलों का जो अभुदय है इनको कैसे रोका जाए या इससे डिसेबल इससे अस्थिरता बढ़ी है अस्थिरता कैसे बढ़ी है इसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और क्षेत्रीय स्तर पर आप देखें कि राज्य जो रा, स्टेट पार्टीज हैं राज्य पार्टी, राज पार्टी हैं वे राष्ट्रीय स्तर पर तो चुनाव नहीं जीत पाते उनके एम नहीं आ पाते लोकसभा के सदस्य अगर वो लड़ना चाहते हैं तो वे नहीं जीत पाते लेकिन चूंकि लोकल इशूज़ को छोट क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के वह सत्ता में आते हैं इसलिए क्षेत्रीय मुद्दों पर वह इतना हावी हो जाते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे पर सोचने का उनके पास टाइम ही नहीं है समय ही नहीं है और न सोचना भी नहीं चाहते कि उनको लगता है कि जब हमको क्षेत्रीय मामलों में क्षेत्रीय मुद्दों से हम स्टेट में बने हुए हैं राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो हमको इससे आगे की सोचना नहीं है ये भी एक प्राय आप देखें देखते होंगे कि बहुत सारे राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह शासन में आई हैं तो विकास का आप देखें ग्राफ और केंद्रीय सरकार यदि राज्यों में सरकार बनाई है तो उसके विकास में गति देखने का प्रयास करेंगे और इसका एक कारण लाजमी भी है कि जब केंद्रीय और राज्य सरकारों में राजनीतिक जो दलीय असमानता होगी वैचारिक मतभेद होगा तो वैचारिक मतभेद के कारण जो है वह विकास की उस धारा को नहीं पकड़ पाते जो वह दलीय समानता होने की स्थिति में राज्य का विकास होता स्टेट का विकास होता तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है कि कैसे इसको दूर किया जाए और कैसे इस पर कायम कैसे इस पर विश्वास किया जाए किसको इसको कैसे मजबूत किया जाए वे कौन से संवैधानिक प्रावधान किए जाएँ कौन से कानून लाए जाएँ कि जिससे हमारी जो राष्ट्रीय एकता की जो सोच है जो नेशनल इंटीग्रेशन की बात होती है हम उसको अक्षुण रखते हुए अपने देश के भौगोलिक मानचित्र को अक्षुण रखते हुए हम इस क्षेत्रीय दलों की स्थिति को या क्षेत्रीय दलों के क्षेत्रीय महत्व को बार बार उद्घाटित करने को हम कैसे कम कर सकते हैं तो ये भी एक डेमोक्रेसी के लिए गलत समस्या रहा है इसमें पुनः मैं अपने पहली सालाइड पर आप देखें जो फर्स्ट मेरी स्लाइड है इसको मैंने बताने का प्रयास किया कि दल बदल की समस्या है मैंने इसको बताया राजनीतिक दलों की अधिकता है इसको भी मैंने हाईलाइट किया राजनीति का अपराधिकरण हुआ इसको स्लाइड के माध्यम से क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय हुआ ये भी एक मैंने जो अंतिम इसमें लिखा मतदाताओं की अशिक्षा या मतदाताओं की अशिक्षा एवं अपरिपक्वता एक भी महत्वपूर्ण ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है इसको भी पहले लेते हैं कि जो मतदाताओं की मतदाताओं का अपरिपक्व होना है आप प्राय देखते होंगे कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय 1947 में जो साक्षरता दर थी जो भारत में लिटरेसी रेट था वो लगभग 31 परसेंट ऐसा माना जाता है चौबीस परसेंट जो है पुरुष साक्षरता थी और सात परसेंट जो है फीमेल साक्षरता थी लगभग 20 31 परसेंट परसेंट जो है साक्षरता दर थी आज की प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो जो भारत सरकार का साक्षरता दर है लिटरेसी रेट है आप सभी जान सकते हैं कितना है वो वो लगभग सेवेंटी परसेंट माना जाता है कि भारत में 74 परसेंट शिक्षित हैं इसका मतलब है कि 26 लोग अभी भी 26 परसेंट अभी भी अशिक्षित हैं और हम ये भी मान लें कि 80 परसेंट शिक्षित हैं बीस ही परसेंट अशिक्षित हैं भारत में तो क्या वह बीस जो अशिक्षित हैं वो मतदान नहीं करते और मतदान करते होंगे तो उनको उनकी क्राइटेरिया क्या होती होगी वोट देने की किसको वोट देते होंगे क्या उनको ये मालूम होता होगा कि ये राइट टू वोट में शैक्षणिक योग्यता आपराधिक पृष्ठभूमि ये सब लिखना आवश्यक है और दूसरी बात हम जो 74 फोर परसेंट मतदाताओं की शिक्षा की बात करते हैं कि मतदाताओं शिक्षित हैं लिटरेट हैं ये लिटरेसी की लिटरेसी रेशियो 74 फोर परसेंट सेवेंटी तब है जब साक्षरता की परिभाषा आप जानकर आश्चर्य होगा साक्षरता की जो परिभाषा है लिटरेसी वही है कि साक्षरता से तात्पर्य साक्षर व्यक्ति से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपना हस्ताक्षर करना लिखना और पढ़ना जानता है तो ये हमारी साक्षरता की परिभाषा है तब हमारा जो रेट इतना है तो आप ये समझ सकते हैं कि मतदाताओं की जो शिक्षित मतदाताओं का जो शिक्षित होना और उनकी जो इमेच्योरिटी है वह कितना है और चुनाव के दौरान आप देखते होंगे दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या है कि ये भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड ने के रूप में देखा है भ्रष्टाचार गरीबी जातिवाद तो जातिवाद और संप्रवाय संप्रदायवाद के ऊपर आते हैं ये जो जातिवाद एवं संप्रदायवाद की जो बात है कि जब हम चुनाव आता है तो चुनाव में आपने देखा होगा कि जो कास्टिज़्म हम कभी दूर दूर तक नहीं जानते और चुनाव के पश्चात हम भूल जाते हैं प्राय और सभी व्यक्ति सभी संप्रदाय के व्यक्ति एक साथ बैठकर खाते पीते हैं भोज में या अन्य सामूहिक भोज भोजन भोज्य होता है परंतु चुनाव के दौरान चुनाव के ठीक पहले ये जातिवाद और संप्रदायवाद की जो भावना है इतनी राजनीतिज्ञों के द्वारा इतनी उभार दी जाती है कि उसका वो फायदा लेकर के वो चुनाव में जीत जाते हैं वो किसी भी आधार पर उनको चूंकि चुनाव में जीतना है तो हमारे जो शिक्षित मतदाता भी हैं वो भी इस जो दो बीमारी है जातिवाद और संप्रदायवाद की ये भी मतदान में इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर देता है कि मतदाता शिक्षित होते हुए भी इन दो पॉइंट पर ऐसे गलत व्यक्ति को वोट दे देता है मतदान कर देता है कि जो पाँच वर्ष के लिए उसको परेशान करता है या पाँच वर्ष उसकी बातों को अनसुना रखता है तो जब तक हम इन बातों को ये सब जो जातिवाद या संप्रदायवाद की जो बात है यह कानून के माध्यम से नहीं रोका जा सकता है ये व्यक्ति विशेष पर और मतदाता स्वयं को ये इनिशिएटिव लेना होगा कि हम जब चुनाव में मतदान करने जाते हैं तो हम ऐसे मतदान ऐसे उम्मीदवार को मतदान करें जो हमारे लिए बेहतर काम करता हो हम उस मतदान के समय जाति को देख करके सम्प्रदाय को देख करके अगर मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से पाँच वर्ष हम विकास से पीछे रहेंगे तो यह सरकार के स्तर पर नहीं हो सकता यह कानून के माध्यम से संशोधन नहीं हो सकता यह केवल और केवल मतदाता की अपनी सोच और समझ से यह यह समस्या का निदान किया जा सकता है कानून बना करके हम इसको नहीं सुधार सकते हैं कि कोई इनको वोट नहीं देगा या संप्रदायवाद पर वोट नहीं देगा तो यह वोटर की जो जागरूकता है उससे यह दूर किया जा सकता है मुझे नहीं ऐसा लगता कि संसद का कोई कानून इस पॉइंट को दूर इस बीमारी को दूर कर सकता है तो यह व्यक्ति विशेष पर मतदाता पर यह निर्भर करता है कि हम अच्छे सदाचारी व्यक्ति को करें वह किसी भी जात धर्म का हो काम यदि अच्छा किया है विकास का कार्य किया है क्षेत्र में तो हम उसको मतदान करें निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा इसके पश्चात हम अब आते हैं स्क्रीन पर ही आप देखें भ्रष्टाचार और गरीबी दो ऐसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं भ्रष्टाचार और गरीबी जिसको कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष यदि चुनौतियों के रूप में देखा जाए तो आप लास्ट फिफ्टी ईयर्स में देखें कि पचास वर्षों में देखें यदि डाटा लें सरकार का ही आकरण लें तो कितने स्कैम्स हुए हैं यद्यप कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बना हुआ है प्रिवे तो और भ्रष्टाचार निवारण के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी बना हुआ है बहुत सारे भ्रष्टाचार को निवारण करने के लिए दूर करने के लिए कानून भी बने हुए हैं उसके बावजूद भी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है यदि मैं उसको गिनाने का प्रयास करूं स्लाइड के माध्यम से भ्रष्टाचार की समस्या को एक आप इसमें देखें स्लाइड के माध्यम से मैंने लिखा है कि यह कैसे हमारे लोकतंत्र के जड़ों को कमजोर कर रहा है ये, ये बीमारी तो भ्रष्टाचार की जो समस्या है एक प्रकार से कैंसरस हो गया है डेमोक्रेसी के लिए और कितना ये डेमोक्रेसी को वीक किया है भारत में आप इसको देखें मैंने स्लाइड पर एक बनाया हुआ है कैश फार क्वेरी स्कैम सदन में प्रश्न पूछने के लिए ये घोटाला हो जाता है अभी उसको डिटेल में बताएं केस का नाम क्या है दूसरा इसमें केस देखें जे एम एम ब्राइबरी केस मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में और वह जानबूझ कर इंग्लिस में लिखा हुआ है मैं उसको अगर हिंदी में लिखता तो शायद आप सोचें कि स्लाइड भी कम पड़ जाती और ये एक लेक्चर एक घंटे के व्याख्यान में पूरे कवर भी नहीं हो पाते जे एम एम ब्राइबरी केस है जे एम का मतलब है झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पोलिटिकल पार्टी है झारखंड राज्य में ब्राइबरी केस के नाम से भी जाना जाता है केस का जो नाम है वह केस का नाम है पी वी नरसिम्हा राव वर्सेज स्टेट ऑफ वर्सेज स्टेट सीबीआई ने केस किया था इसलिए वहाँ स्टेट लिखा हुआ है आप सभी यह समझें कि पी वी नरसिम्हा राव बनाम राज्य ब्रैकेट में लिखेंगे थ्रू सी बी आई ए आई आर नाइनटीन नाइन्टी एट सुप्रीम कोर्ट दूसरे साइड मैंने लिखा हुआ है कोल स्कैम लिखा हुआ है टू जी स्पेक्ट्रम स्कैम लिखा हुआ है अब टू जी स्कैम कोल स्कैम इतने सारे भ्रष्टाचार जो देश की सामाजिक ताने बाने को जो देश के आर्थिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाते हैं और हजार ये 500 सौ लाख के नहीं होते ये आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाचार पत्र से भी आप अवगत हुए होंगे छात्र होते हुए भी कि जो धनराशि का अमाउंट होता है वो लाख में नहीं आता कितने लाख का घोटाला हुआ इतने लाख का भ्रष्टाचार हुआ इतने हज़ार एक हज़ार दो हज़ार करोड़ का इस कायम हुआ शायद उतने पैसे यदि सरकारी ख़जाने में होते तो हमारी जो गरीबी है हमने अभी जिसपे लिखा था जो भारत में गरीबी का जो दर है गरीबी भी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है वह गरीबों के लिए और गरीबी का जो रेशियो है उसको हम कम कर सकते हैं अभी उस पर आएंगे पहले देखें कि जो भ्रष्टाचार की समस्या है और इस केस के माध्यम से समझेंगे कि भ्रष्टाचार कहाँ पर है और कहाँ से शुरू होता है तब आपको लगेगा कि ये भ्रष्टाचार भारतीय लोकतंत्र को कैसे कमज़ोर कर रहा है तो देखते हैं कि पहला केस हम इसको बताने का प्रयास करेंगे पी वी नरसिम्हा राव आप सभी लोग जानते होंगे ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं इनके विरुद्ध सीबीआई ने वर्ष उन्नीस में केस फाइल किया था आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस केस को दिस केस इज पॉपुलरली नोन एज जे एम केस इस केस को हम झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड के नाम से भी जानते हैं मैं इसके तथ्य को संक्षेप में बताऊं कि कैसे इसमें क्या घटना घटित हुई और आप यदि इस केस को यह केस कहां कहां इम्पॉर्टेंट है मैं स्लाइड पर आपको इसको बताने का प्रयास करता हूं यह संविधान की आर्टिकल आर्टिकल वन एक सौ पाँच उपखंड दो में इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर भी ये कैसे संविधान के आर्टिकल एक सौ पाँच दो ये प्रावधान करती है कि संसद सदस्यों के द्वारा सदन में कही गई कोई बात या दिए गए मतदान को दिए गए वोट को भारत में किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा चुनौती नहीं दी जाएगी आप ये सोचें कि संविधान के आर्टिकल एक सौ पाँच दो जो है वह संसदीय विशेषाधिकार की बात करती है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करती है और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात इस तरह से करती है कि संविधान के आर्टिकल एक सौ कि संसद सदस्यों के द्वारा सदन के भीतर दिए गए मतदान को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है ठीक है प्रोटेक्शन होना चाहिए उनको संसद सदस्य हैं ये विशेषाधिकार होने चाहिए और ये विशेषाधिकार यदि नहीं रहेंगे तो अपने दायित्वों का संवैधानिक दायित्वों का समयपूर्वक निर्वहन नहीं कर पाएंगे इस सोच के साथ संविधान निर्माताओं ने उन्हें ये विशेष अधिकार दिए होंगे ऐसी ऐसा मेरा मानना है परंतु इस आ, केस में क्या घटना घटित हुई कि भारतीय संसद में नरसिम्हा राव सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विपक्ष के द्वारा विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर सरकार अल्पमत में थी सरकार अप राव सरकार अल्पमत में थी और नरसिम्हा राव सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीन सांसदों से और राष्ट्रीय लोकदल जिसके चेयर जिसके अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह थे पहले आर बोलते हैं तो इन लोगों से सहयोग मांगने की बात की और ऐसा देखिए जो साक्ष्य न्यायालय में जो साक्ष्य आया वह कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरएलडी के द्वारा इस मामले में अब नसीमा राव की सरकार गिरने से तो बच गई विश्वास मत हासिल कर ली लेकिन उस विश्वास मत हासिल करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीन सांसदों ने यह कबूल कर लिया कि उनको पैसा दिया गया उन्होंने पैसा लेकर के मतदान किया और पैसा लेकर के सदन में मतदान किया और सरकार बचाई राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह और चौधरी अजीत सिंह के पार्टी के लोग में ऐसा साच था कि इन लोगों ने पैसा लिया रिश्वत ली पैसा लिया परंतु मतदान में हिस्सा नहीं लिया अब यह संसदीय विशेषाधिकार का मैटर आया कि सदन में कही गई बात किसी भी न्यायालय में सदन में किया गया मतदान किसी भी न्यायालय में किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के आर्टिकल एक सौ की व्याख्या करते हुए निर्णय किया गया कि चूंकि संविधान के आर्टिकल एक सौ संसद सदस्यों के द्वारा सदन के भीतर किए गए कुछ भी कार्य कार्यक्रम किए दिए गए मतदान को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं की जाती मैं वी पीपुल कैन नॉट इंटरवीन इन दिस कि उच्चतम न्याया किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती अतः यह संसदीय विशेषाधिकार के दायरे में आता है अतः न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है चूंकि आप भी देखिए नरसिम्हा राव के विरुद्ध यह केस भारतीय यह केस, आ, केस आ, मैं पुनः स्लाइड पर लिख रहा हूँ या केस आईपीसी के का सेक्शन ये वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है कि यह आपराधिक षडंत्र के इन, इनके विरुद्ध आपराधिक षडंत्र और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भी अभियोग पंजीकृत किया गया था कि घूस लेने के लिए इन लोगों ने क्रांसपेरेंसी की थी सरकार बचाने के लिए पैसा दिया पैसा दिया गया तो आप ये सोचें कि कैसे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन के भीतर मतदान करने के लिए यदि संसद सदस्यों के द्वारा पैसा लिया गया रिश्वत ली गई तो ये संविधान के आर्टिकल एक सौ के अंतर्गत संरक्षित प्रतीत होता है लिखा हुआ है कि सदन के भीतर दिए गए मतदान को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है अतः सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता अब आप ये सोचें कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकर होगा यदि राज्य विधानसभा में हालांकि इस निर्णय की थोड़ी सी इस केस में दिए गए निर्णय को थोड़ा सा मतलब माना गया कि तार्किक प्रतीत नहीं होता हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई ऐसी स्थिति आती है या राज्य विधानमंडल में अगर कोई विधायकों का खरीद फरोख्त होता है सरकार बनती है अविश्वास मस्ताव आता है विश्वास हासिल करने के लिए विधानसभा में अगर ऐसे मीन्स अपनाए जाते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा अच्छे संकेत नहीं है दूसरा इसमें लिखा मैंने कैश कैश फार क्वेरी स्कैम ये देखें सबसे पहला ही है कैश फार क्वेरी स्कैम मैं भी इसको शीघ्रता से लिखूँ इसमें एम करीब ग्यारह जो एम थे या डिस्कालीफाई हुए थे अयोग्य घोषित कर कर दिए गए थे मैं इस स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा ये क्वेश्चन कैसे इसमें साक्ष इस प्रकार से थे कि आ, दस सांसद लोकसभा से और एक सांसद राज्यसभा को इस आधार पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था कि ये सभी सदस्य सदन पटल पर प्रश्न पूछने के लिए पैसे की मांग किए थे कैश लिए थे पैसा लिए थे और इस बात की पुष्टि एक प्राइवेट चैनल के द्वारा दिखाया गया प्राइवेट चैनल ने टीवी चैनल ने टीवी पर दिखाया स्टिंग ऑपरेशन करते हुए कि एक मिडिल मि, एक मिडिल मैन के माध्यम से मध्यस्थ के माध्यम से यह लोकसभा के दस सदस्य और राज्यसभा के एक सदस्य के द्वारा लोकसभा में प्रश्न पूछने के लिए इन लोगों ने पैसा लिया अब इसको हम कै यह है, कैश फॉर क्वेरी केस इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है इसको आप कैश समझें कैश फॉर कैश फॉर क्वेरी स्कैम हाँ कैश फॉर क्वेरी स्कैम मतलब क्वेरी करने के लिए प्रश्न पूछने के लिए कैश लिया जाना तो इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा डिस्कवालीफाई कर दिया गया उसमें केस का नाम है राजा रामपाल पाल वर्सेज ऑनरेबल स्पीकर तो राजा रामपाल एक जो संसद सदस्य थे उनको भी डिस्कवालीफाई कर दिया उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के उस निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी कि लोकसभा स्पीकर ऐसे लोकसभा सदस्यों को डिसक्वालीफाई करने के की पावर नहीं रखते अतः यह निर्णय यह निर्णय असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए इस केस के माध्यम से भी आप ये समझ सकेंगे कि भ्रष्टाचार की जड़ें भ्रष्टाचार भारतीय लोकतंत्र को कैसे कमज़ोर किया है कहने की आवश्यकता नहीं है ये कुछ ऐसे केस हैं जो हमारे व्याख्यान के बाद भी कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं लोकतंत्र के समय चुनौतियों के रूप में सुप्रीम कोर्ट और संसद के द्वारा किए गए प्रयास को लेकर के परंतु फिर भी हमें कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए प्रयास को सराहनीय माना जा सकता है सही कहाज ठहराया जा सकता है जो लोकतंत्र के समक्ष यह भ्रष्टाचार के से संबंधित जो केस हैं इसके अतिरिक्त भी केस हैं इसके अतिरिक्त भी मामले हैं भ्रष्टाचार से संबंधित जिसको देख करके आपको लगेगा कि भारतीय लोकतंत्र के साथ साथ भारत के जो अर्थतंत्र को भी अर्थव्यवस्था को भी कमज़ोर करने का प्रयास ये भ्रष्टाचार और घोटाले किए हैं तो गरीबी एक अलग है पॉवर्टी पावर ये भारतीय लोकतंत्र के समक्ष समस्या के रूप में जो देखा जाता है निर्धनता इतने प्रयास के बावजूद भी परंतु उसमें भ्रष्टाचार की जो समस्या है वो सबसे महत्वपूर्ण है इसके लिए प्रयास कानूनी स्तर पर भी किए गए हैं व्सिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट भी बना हुआ है कि अगर कोई आर सूचना अधिकार अधिनियम दो बना हुआ है इस समस्या तो मैंने बता दी इसके निदान के लिए मैंने नहीं बताया मेरी पायस इट्स माई पायस ड्यूटी टू तो टेल यू कि मैं किस संसाधनों के माध्यम से बताया जा सकता है तो आर है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का है जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है व्हीसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है कि अगर व्हीसिल ब्लोअर है कोई भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो उसको भी प्रोटेक्शन दिया गया है इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये विश्वास किया जाना चाहिए कि आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों को हम दूर कर पाएंगे कानून के माध्यम से और विशेषकर मतदाताओं की परिपक्वता के माध्यम से हम समस्याओं से निजात पाएंगे इस विश्वास के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ थैंक यू धन्यवाद